हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिद्धांत, जिस तरह तुम गाड़ी चला रहे हो, डिनर तक तो नहीं पर हाँ सुबह नाश्ते तक जरूर पहुंच जाएंगे। क्या करें, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उसका ध्यान गाड़ी की तरफ कम और बीवी की तरफ ज्यादा होता है। क्यों सिद्धांत, बदमाशी मत करो। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए पूरे, पर तुम्हारी फ्लर्ट करने की आदत ना अभी तक नहीं गई। तुमसे फ्लर्ट करने की आदत तो आखिरी सांस तक नहीं जाएगी। ओहो, देखो किसका फोन आया है। किसी का भी, पर गाड़ी चलाते टाइम फोन उठाना अलाउड नहीं है। अरे सिर्फ हेलो बोल के तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, जल्दी दो। हेलो, सर इस ट्रक ड्राइवर का ब्लड टेस्ट करवा लिया है, इसने शराब नहीं पी रखी। सर जी, मैं नशे में तो कभी भी गाड़ी नहीं चलाता हूँ। और जहाँ तक एक्सीडेंट का सवाल है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं साहब। गलती नहीं है, दो लोगों की मौत हो चुकी है। कैसे हुआ सर? साहब जी, मैं तो सीधा सीधा रास्ते में जा रहा था, पता नहीं ये कार कहाँ से तेजी से आई और सीधा ट्रक से टकरा गई। जी हाँ सर, ये आदमी सच कह रहा है, मैंने भी देखा था। जिस तेजी से ये कार जाकर ट्रक से टकराई, उसे देखकर ऐसा लग रहा था ये आदमी आत्महत्या करना चाहता हो। आत्महत्या करने का तो और भी तरीके हैं। कोई इतनी भयानक मौत क्यों मरना चाहेगा? सर, हाँ निकल। सर गाड़ी रिया के नाम पे, वही औरत जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। उस आदमी का पर्स मिला? कोई आईडी वगैरह? सर आईडी पर्स तो नहीं मिला सर, ये फोन मिला है लेकिन पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। मोबाइल कंपनी से इसके डिटेल्स निकालो और इस रिया के घर जाओ, इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। ये इंसानी दिमाग है, हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा। हम अपनी रोजमर्रा की बातें, अच्छी बुरी कड़वी यादें अपने इस दिमाग में जमा कर लेते हैं। सम्मोहन के बारे में तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक अलग सम्मोहन के बारे में बताने जा रहा हूं। अलग तरह का सम्मोहन? डॉक्टर अनीता, अगर मैं कहूं कि मैं आपको आपकी आने वाली पूरी जिंदगी के लिए सम्मोहित कर दूं और अगर आपको पता भी ना चले तो फिर? मगर ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। चलिए एक मिनट के लिए ये मान भी लेते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये सम्मोहन कभी ना कभी तो टूटेगा। जी हाँ, टूटेगा। मेरे पास तरीका है उसे फिर से शुरू करने का। जैसे ही आप सम्मोहन से बाहर आएंगी, आपका दिमाग रिवाइंड होकर वापस उसी जगह पर पहुंच जाएगा जहाँ वो सम्मोहित होने से पहले था। मतलब सम्मोहित होने के बाद का हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा? जी नहीं, और आप सभी लोग इसका असर देखना चाहेंगे? जी सर, पर आप सम्मोहित करेंगे किसे? यहाँ पर तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। आप लोग है ना मेरे सब्जेक्ट। अगर मैं आप जैसे काबिल डॉक्टर्स को एक साथ सम्मोहित कर लेता हूँ तो फिर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं कि मेरे सम्मोहन का तरीका काम करेगा या नहीं। ठीक है डॉक्टर दिनकर, हम सब लोग तैयार हैं। तो शुरू करते हैं। ये कैमरा आप लोगों की हर उस हरकत को रिकॉर्ड करेगा जो सम्मोहन के दौरान मैं आप लोगों से करवाऊंगा, क्योंकि सम्मोहन से बाहर आने के बाद आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप सबको एक साथ ही सम्मोहित करने वाले हैं? जी हाँ, ये भी एक नई प्रगति है सम्मोहन की दुनिया में। मैं आप लोगों के दिमाग को रोशनी और आवाज से
अपने काबू में कर लूंगा। इन किरणों को गौर से देखिए, बस यही एक रोशनी है जिसे आप सब देख सकते हैं और बस मेरी ही आवाज है जिसे आप सुन सकते हैं। इस रोशनी और मेरी आवाज के अलावा इस सृष्टि में कुछ और नहीं है। इन किरणों को गौर से देखिए, देखिए गौर से, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी ही आवाज सुनाई दे रही है। सब लोग सम्मोहित हो गए हैं। आप सभी लोगों का दिमाग मेरे काबू में है। आप सभी वही करेंगे जो मैं कहूंगा, जो मैं चाहूंगा। ये क्या है? तीन बज गए, दो बजे लेक्चर खत्म होना था। अंदर से कुछ आवाज भी नहीं आ रही है, दरवाजा खोल के देखें। नहीं, डॉक्टर दिनकर नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, चलो देखते हैं। डॉक्टर दिनकर का कौन? फाउंटेन पेन से खून कर दिया। ये खूनी भी क्या क्या तरीका निकालते हैं डॉक्टर साहब खून करने के। अभिजीत, अगर पेन से सीधा ऐसे वार किया जाएगा तो आदमी तो पक्का मर जाएगा। बस ये देखो, डॉक्टर साहब जरा इन लोगों को अच्छे से चेक कर लीजिए, ये लोग वाकई में सम्मोहित हैं या फिर सम्मोहन का ड्रामा कर रहे हैं। मैं चेक करता हूं। सर, इन दोनों का कहना है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान ना ही कोई अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया। कॉन्फ्रेंस के शुरू होने का टाइम क्या था? 11 बजे सर, और ये 2 बजे तक खत्म होने वाली थी। हाँ सर, लेकिन 3 बजे तक कोई बाहर नहीं आया ना, तो हम लोगों ने दरवाजा खोलकर देखा तो डॉक्टर दिनकर की लाश पड़ी हुई थी सर। मतलब 11 बजे से 3 बजे के बीच आप लोग इस दरवाजे के बाहर ही खड़े थे? जी बाहर ही खड़े। हाँ सर। बिल्कुल हिले नहीं? जी सर। सर, इसका मतलब खूनी कोई बाहर का नहीं बल्कि अंदर का आदमी है। हाँ अभिजीत, क्या पता चलो डॉक्टर? अभिजीत जरा यहाँ देखो, ये इसकी आंख की पुतली पे ये काले काले निशान पे देखो गौर से, कुछ फर्क नजर आ रहा है? ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। एग्जैक्टली, और ऐसा तभी होता है जब इंसान सम्मोहित होता है। मतलब एक सम्मोहित आदमी ने खून कर दिया। सर, सर खूनी सिर्फ सम्मोहित होने की एक्टिंग कर रहा है। ये देखिए, कैमरे का केबल कटा हुआ है। तो इस कैमरे की फुटेज चेक करते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ था यहाँ पे। लेकिन अभिजीत, उससे पहले इन सब लोगों को सम्मोहन से बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सारे के सारे सम्मोहित रहे तो इनकी जान को खतरा है। इन्हें मेंटल पैरालिसिस हो सकता है, ये कोमा में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी इंतजाम कीजिए। जैसे ये लोग सम्मोहन से बाहर आएंगे
वो कोने भी सामने आ जाएगा। देखिए ऑफिसर, फिलहाल तो मुझे कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है इन लोगों को सम्मोहन से बाहर निकालने का। तरीका नजर नहीं आ रहा मतलब? आप भी तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, हिप्नोटिज्म की अच्छी खासी जानकारी है आपको, तो फिर ऐसा क्यों? देखिए, सम्मोहित हुए लोगों को हिप्नोटिज्म से बाहर निकालना मुझे आता है, लेकिन इन लोगों पे डॉक्टर दिनकर ने कुछ अलग किस्म का एक्सपेरिमेंट किया है। इन लोगों पे कोई भी तरीका काम ही नहीं कर रहा। इसका मतलब है इन लोगों को सम्मोहन से बाहर लाने का कोई रास्ता नहीं है? डॉक्टर दिनकर ने अपनी आवाज और रोशनी से इन लोगों को हिप्नोटाइज किया, और सम्मोहन से बाहर निकालने के लिए इन दोनों चीजों की जरूरत होगी मुझे। डॉक्टर दिनकर मर चुके हैं, वो अब आपकी मदद के लिए वापस नहीं आ सकते। जो भी कुछ करना है आपको ही करना है। जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। सर, कोई फायदा नहीं हो रहा, इन सब की हालत बिल्कुल ज्यों की त्यों है। जब तक ये लोग ठीक नहीं हो जाते हैं, वो कैमरा ही एक ऐसा सुराग है हमारे पास जिससे पता चल सकता है कि वहां कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ क्या था। हो ना हो अभिजीत, इस खून का राज उस कॉन्फ्रेंस रूम में ही है। देखते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम का फुटेज देखते हैं। रजत, फुटेज रेडी है? यस सर। इन किरणों को गौर से देखिए, गौर से देखिए इन किरणों को। रोशनी के सिवा आपको कुछ और नहीं दिखाई देगा, बस यही एक रोशनी है जिसे आप देख सकते हैं, और बस मेरी ही आवाज है जिसे आप सुन सकते हैं। आप सभी लोग सम्मोहित हो गए हैं, अब आप लोगों का दिमाग मेरे काबू में है। मैं जो कहूंगा बस आप लोग वही करेंगे। आवाज सुनी तुमने? कैसी आवाज सर? यार दोबारा प्ले करो, देखते हैं। बस आप लोग वही करेंगे। हाँ सर, ये बिल्कुल फुटेज के आखिरी में ही आई है। एक सेकंड सर। क्या सुनिए? दरवाजा बंद होने की आवाज है। लेकिन सर उस कमरे में तो एक ही दरवाजा था, और पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान वो खुला ही नहीं। वही तो, जब दरवाजा खुला ही नहीं तो फिर दरवाजा बंद कैसे हुआ? इसे जैसे ही आवाज आई, ये डॉक्टर दिनकर उस तरफ बहुत ध्यान से देख रहे हैं। देख तो रहा है एक तरफ, मगर कहां देख रहा है, किसे देख रहा है, ये चक्कर क्या है? सर कहीं ये आवाज नकली तो नहीं? ये आवाज क्रिएट की गई हो? दरवाजे की आवाज किसी ने प्ले की हो मोबाइल पे या रिकॉर्डर पे? हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वहां जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे के सारे डॉक्टर दिनकर के सम्मोहन में नहीं थे। नहीं थे डॉक्टर दिनकर के सम्मोहन में। कोई एक ऐसा था जो किसी और के सम्मोहन में था, किसी और के, और उसी एक ने डॉक्टर दिनकर का खून कर दिया सम्मोहन की अवस्था में। सर शायद ये दरवाजे की आवाज ट्रिगर हो खून करने के लिए। एग्जैक्टली अभिजीत, यही हुआ है, वरना कोई और तरीका ही नहीं है डॉक्टर दिनकर को मारने का। सर सिद्धार्थ की मौत का डॉक्टर दिनकर के खून से जरूर कोई कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? ये सिद्धांत के फोन रिकॉर्ड्स हैं। उसने डॉक्टर दिनकर को एक महीने में 21 बार फोन किए थे। एक महीने में 21 बार फोन किए थे? तो इसका मतलब है अभिजीत, सिद्धांत और दिनकर एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। हाँ सर, सिद्धांत भी डॉक्टर दिनकर की तरह एक साइकोलॉजिस्ट था। ओहो, सिद्धांत और दिनकर साइकोलॉजिस्ट थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धांत की मौत
आत्महत्या थी ही नहीं। अभिजीत देखो जरा, सिद्धांत को आखिरी बार एक्सीडेंट से पहले किसने फोन किया था? ये आखिरी कॉल तो किसी किमी ने किया था। किमी? ये किमी कौन है? सर ये किमी तो सिद्धांत की बीवी की छोटी बहन है। ओ, सिद्धांत के बीवी की छोटी बहन किमी। इस किमी से मिलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा इस किमी से, जरूर कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। मैडम सीआईडी वाले आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? डर क्यों लगेगा, मैंने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। गुनाह किया है या नहीं ये तो हम पता लगाएंगे। हेलो किमी, वैसे काफी जल्दी काम पर वापस आ गए हैं। अपनी बहन और जीजा के जाने का ज्यादा शोक नहीं मनाया आपने? शोक मनाने से वो लोग वापस तो नहीं आ जाएंगे ना, मुझे लगा अगर काम करती रहूंगी तो इस दुख से मन भटक जाएगा। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आप सीआईडी वाले एक रोड एक्सीडेंट को मर्डर का नाम कैसे दे सकते हैं? क्योंकि वो कोई मामूली रोड एक्सीडेंट नहीं था, सिद्धांत ने जानबूझकर अपनी गाड़ी उस ट्रक में भिड़ाई थी। क्या जीजू ने खुदकुशी की थी? अब खुदकुशी की या खुदकुशी करने पर मजबूर हुए ये तो हमें तब पता चलेगा जब आप हमें बताएंगे कि हादसे से ठीक 2 मिनट पहले आप उनसे फोन पर क्या बात कर रही थी। ये क्या बोल रहे हैं आप, मैं जीजू से बात कर रही थी? मेरी तो उनसे आखिरी बार बात 1 महीना पहले हुई थी। किमी क्या लगता है आपको, अब हमें कहानियां सुनाती रहेंगी, हम सुनते रहेंगे? सच सुनना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ सच। मैं सच बोल रही हूँ, आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? क्योंकि मोबाइल रिकॉर्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। सिद्धांत ने मरने से पहले आखिरी बार तुमसे बात की थी। ये कैसे हो सकता है, मैं तो ये भी भूल गई थी उस दिन दीदी की शादी की सालगिरह है, मैंने कॉल नहीं किया उन्हें। क्या 9 बजे मैंने कॉल किया? जी 9 बजे। 9 बजे तो मैडम स्टेज पे थी, ये फोन पे कैसे बात कर सकते हैं? हाँ एग्जैक्टली, जब तुम स्टेज पर थी तब तुम्हारा फोन कहाँ था? मेरी वैनिटी वैन में। पर मेरी वैनिटी वैन में माया के अलावा किसी और को जाने की परमिशन ही नहीं है। इस माया को बुलाइए। प्लीज माया को बुला के लाओ। यस मैम, आपने मुझे बुलाया। 25 तारीख को रात 9 बजे जब किमी स्टेज पर शो कर रही थी, क्या आपने उनकी वैनिटी में जाकर उनके मोबाइल से कोई फोन किया था? नहीं सर, वो फोन मैंने नहीं किया था। अगर तुमने नहीं किया था तो फिर किसने किया था? वो मैम उस रात। प्रोडक्शन, वैनिटी, इलेक्ट्रिशियन दादा, प्रतीक, शैलेश कहाँ चले गए सबके सब? अरे कोई तो इलेक्ट्रिशियन को भेजो यहाँ पे। मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैम मैं डर गई थी, मुझे लगा आप मुझ पे गुस्सा करेंगी इसलिए। जरूर इसी आदमी का किया था ये सब, उसने किमी के मोबाइल से सिद्धांत को फोन करके सम्मोहित किया और मौत के मुंह में ढकेल दिया। उस आदमी के बारे में कुछ भी याद है तुम्हें, कोई अजीब सी चीज जो तुमने देखी हो? सर उसके जूते। क्या था उसके जूते में? तीन अलग जूते थे उसके, उनमें कुछ सिल्वर जैसा लगा हुआ था। सिल्वर लगा हुआ था, ठीक है स्केच बनवा। दरवाजे की आवाज से सम्मोहन? पर सर इन सब को तो डॉक्टर दिनकर ने ध्वनि और रोशनी सम्मोहित किया था, दरवाजे की आवाज से नहीं। हम जानते हैं, पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि शायद इनमें से कोई एक कॉन्फ्रेंस में आने से पहले ही सम्मोहित था, और जिसने उसे सम्मोहित किया वो ये चाहता था कि उसका सब्जेक्ट डॉक्टर दिनकर का खून कर दे। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी साजिश। मगर सर अगर इनमें से कोई पहले से ही सम्मोहित था तो डॉक्टर दिनकर को पता कैसे नहीं चला? वो भी तो बहुत बड़े डॉक्टर थे हिप्नोटिज्म के। क्योंकि शायद दरवाजे की आवाज ही वो ट्रिगर हो जो इन्हें सम्मोहन में डालती हो और फिर बाहर निकालती हो। हो सकता है सर। मतलब जब वो कॉन्फ्रेंस में आया
तब वो सम्मोहित नहीं था। और सर, जैसे उसने दरवाजे की आवाज सुनी अपने फोन पे या कहीं और से, वो फिर से सम्मोहित हो गए। और जब वो होश में आया तो उसे याद आया कि वो यहाँ डॉक्टर दिनकर को मारने आया था। डॉक्टर आरव, सिर्फ एक ही तरीका है ये पता करने के लिए कि खून किसने किया है। कैसा तरीका? उस दरवाजे की आवाज को हम एक बार फिर से चलाएंगे। आवाज सुन के इन लोगों में से जो कोई भी होश में आता है, खूनी वही है। रेडी सर। इन किरणों को गौर से देखिए, गौर से देखिए इन किरणों को। रोशनी के सिवा आपको कुछ और नहीं दिखाई देगा, बस यही एक रोशनी है जिसे आप देख सकते हैं, और बस मेरी ही आवाज है जिसे आप सुन सकते हैं। आप सभी लोग सम्मोहित हो गए हैं। अब आप लोगों का दिमाग मेरे काबू में है। मैं जो कहूंगा बस आप लोग वही करेंगे। मैं यहाँ? डॉक्टर आरव, मैं तो डॉक्टर दिनकर के कॉन्फ्रेंस में थी ना। ये सब लोग कौन हैं? प्रिशिता, तुम सम्मोहित थी और ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आई। पर डॉक्टर दिनकर कहाँ है? उनका खून हो गया है। खून? किसने किया? तुमने। What? ये क्या कह रहे हैं आप? प्रिशिता जी, क्या आपको कुछ भी याद नहीं कि उस कॉन्फ्रेंस रूम के बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ था? नहीं, पर डॉक्टर दिनकर का खून, मौत, ऐसा लग रहा है जैसे ये शब्द मैंने पहले कभी सुना है। वो इसलिए क्योंकि तुम कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर दिनकर को मारने के लिए आई थी, पहले से सम्मोहित होके। किसने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था? हाँ, कौन है वो जो दिनकर को मारना चाहता था? मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। देखो प्रशिता, घबराओ मत। इस षड्यंत्र के पीछे जो कोई भी है, कानून सजा उसी को देगा। और अगर तुमने ये जानबूझ के नहीं किया है तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम बस अपने दिमाग पे जोर डालो और हमारी मदद करो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे एक लंबी नींद से जागी हूँ और पीछे का सब धुंधला धुंधला सा लग रहा है। ये थिंक पेन, ये थिंक पेन को पहचानती हो? ये पेन तो डॉक्टर दिनकर के टेबल पर था, और शायद मैंने उस दिन उसे उठाया भी था। पर क्यों उठाया था? उन्हें मारने के लिए। यही है वो हथियार जो डॉक्टर दिनकर के गले में खोपा गया था। ये मुझसे क्या हो गया? मैं खूनी हूँ। ये तुमसे किसने करवाया है ये पता करने के लिए तुम्हें फिर से सम्मोहित करना पड़ेगा। नहीं, नहीं, मुझे दोबारा सम्मोहित नहीं होना। रिशिता, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हम तो सिर्फ खूनी तक पहुंचना चाहते हैं, बस। नहीं, आप किसी के मर्जी के बिना उसे सम्मोहित नहीं कर सकते। ये गलत है। अच्छा, इसका मतलब है आप अपने मर्जी से सम्मोहित हुई थी उस खूनी के हाथों? नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन है वो आदमी जो सम्मोहन का गलत फायदा उठाकर लोगों का खून कर रहा है।
ये जिस किसी का भी काम है थोड़ा खिसका हुआ है। वो साबित करना चाहता है कि सम्मोहन की कला में वो बेस्ट है, तभी तो दिनकर और सिद्धांत जैसे साइकोलॉजिस्ट को मार दिया उसने। सर कुछ खतरनाक पकड़ा है उसके दिमाग में। अभिजीत एक बार ही प्रशिता को याद आ जाए ना कि ये कलाकार है कौन, फिर नहीं बचेगा ये हमारे हाथ में। थैंक यू सर। सर जूतों का स्केच बन गया। अच्छा ये है वो जूते, बड़े खास किस्म के हैं, लगता है कस्टम मेड है। हाँ सर ये कस्टम मेड ही होंगे, ऐसे मेटल वाले जूते ऑर्डर देकर ही बनवाए जाते हैं। तो फिर पता लगाओ कि ये जूते बनाए किसने और किसके लिए। प्रशिता तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ। गुड, अब मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा तुम सच सच बताओगी, ओके? ओके डॉक्टर। प्रशिता अब तुम अपने दिमाग की गहराइयों में जाओ और मुझे बताओ कि डॉक्टर सिद्धांत और डॉक्टर दिनकर की आखिरी मुलाकात तुम्हें याद है? हाँ। क्या देख रही हो तुम? वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं? मैं रोज की तरह सुबह 10 बजे डॉक्टर दिनकर के क्लिनिक में पहुंच गई हूँ। डॉक्टर सिद्धांत निकल जाओ यहाँ से, फिर कभी दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं दिनकर, अगर हक दिया नहीं जाता तो उसे छीनना पड़ता है और मुझे मेरा हक छीनना आता है। आउट आउट। डॉक्टर दिनकर सिद्धांत पे बहुत नाराज हैं, उन्हें इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब हम वक्त में थोड़ा आगे चलते हैं। कॉन्फ्रेंस वाले दिन क्या हुआ था प्रशिता? दिनकर सर अपने लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, आज हमें वो कुछ नया और अनोखा दिखाएंगे। मैं नोट्स बना रही हूँ और कॉरिडोर में डॉक्टर दिनकर के कुछ साथियों से बातचीत कर रही हूँ। ये क्या, दरवाजा बंद होने की आवाज आई है, कोई मेरे मस्तिष्क को अपने वश में कर रहा है। वो इंसान चाहता है कि मैं डॉक्टर दिनकर को। प्रशिता क्या कर रही है? चलो कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रहा है। यस सर। अब मैं ठीक हूँ, कॉन्फ्रेंस में जा रही हूँ। अब उस आवाज का मुझ पर कोई असर नहीं है। ठीक है प्रशिता, अब तुम सो जाओ, अब तुम्हें कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी। हमारा अंदाजा ठीक था, किसी ने प्रशिता को सम्मोहित करके उससे डॉक्टर दिनकर का खून करवाया। सर हो सकता है ये काम सिद्धांत ने किया हो, उसकी लड़ाई हुई थी ना डॉक्टर दिनकर से। नहीं फ्रेडी, ये सिद्धांत खुद सम्मोहन का शिकार था जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। इस पूरे सर्कस का रिंग मास्टर कोई और ही है। सर फिर तो शायद ये काम बाकी उन साइकोलॉजिस्ट का ही होगा जिनसे प्रशिता बातचीत कर रही थी। तुम ठीक कह रही हो पूर्वी, एक काम करो इस प्रशिता का कॉल रिकॉर्ड चेक करो, पता तो चले कौन कौन बात कर रहा था इस प्रशिता से कॉन्फ्रेंस से पहले। सर हमने इतनी सारी दुकानें देखी, वो कस्टम मेड जूते किसने बनाए हैं वो अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा है। अरे हिम्मत पर हाथ, यहाँ पता करते हैं, देखते क्या पता लगता है। Excuse me? Yes, please. हम CID से, ये स्केच देखिए।
क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के जूते आपके यहाँ बनते हैं या नहीं? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं सर। ऐसे जूते हमारी दुकान में ही बनते हैं। अच्छा, वैसे ये जूते कुछ अलग तरह के हैं ना? जी सर, अलग है, क्योंकि ब्लैक लेदर के साथ साथ इसमें सिल्वर जैसी धातुओं का भी इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि पिछले एक महीने में इस तरह के जूते आपने कितने बनाए? पिछले महीने ऐसे 3 जोड़ियों का ऑर्डर था। सिर्फ 3? जी। फिर तो आप आसानी से बता पाएंगे कि ये 3 लोग कौन थे। हाँ, एक तो वीरेंद्र नाम का कोई NRI था जो इंडोनेशिया से आया था, और एक 16-17 साल का लड़का था, और तीसरा तीसरा कौन था? अरे हाँ सर, तीसरी तो कोई एक लड़की थी जो अपने मंगेतर के लिए ऐसे जूते बनवाने आई थी। लड़की? जी। क्या नाम था उस लड़की का? ठीक है, हाँ ये रहा, देखिए। तो ये है वो लड़की जिसने वो जूते बनवाए थे। तो पिछले एक महीने से हर रोज प्रीशिता का मोबाइल यहाँ साइकोलॉजिकल सेंटर में आ रहा है। वही तो, और डॉक्टर दिनकर के साथ काम कर रही थी, 15 किलोमीटर दूर यहाँ उसे आने की क्या जरूरत पड़ी? एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग CID से। CID? क्या बात है? एक खून हुआ है। किसका खून हुआ है? डॉक्टर दिनकर का। वो तो मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, अखबार में पढ़ा था मैंने उनके बारे में, बहुत गलत हुआ ना उनके साथ। इसका नाम प्रीशिता है, इसे जानती हैं? हाँ, ये तो कई बार यहाँ पे आई है। क्या इसी ने खून किया है? हाँ, आप ये बताइए कि ये यहाँ किससे मिलने आती थी? वो यहाँ की वॉलंटियर थी और काफी सारे थेरेपिस्ट से आके मिला करती थी। किस किस से मिलती थी? वो तो मुझसे बेहतर तो हमारे HOD ही आपको बता सकते हैं। वो रहे सारांश सर। हाँ, टेल मी पूजा। सर, ये लोग CID से आए हैं और ये लोग प्रीतिशा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। प्रीशिता? प्रीशिता के बारे में? सॉरी, अभी मुझे देर हो रही है, आप लोग फिर कभी आइएगा। अरे सारांश जी रुकिए। सारांश, सर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस केस की तहकीकात हमें फिर से किमी के घर ले आएगी। बहुत ही उलझा हुआ केस है श्रेया, धीरे धीरे कई राज खुले हैं, बहुत कुछ सामने आना बाकी है। आप लोग आइए, अंदर आइए। आज आप फिर यहाँ पे कैसे? क्या बात है किमी जी, हमें देखकर आपको ज्यादा खुशी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग आपसे उन जूतों के बारे में। एक्सक्यूज मी, ये फोन की घंटी बिल्कुल सही टाइम पे बजी नहीं श्री? हाँ सर, जूतों के बारे में पूछते ही। हेलो हेलो, इसने अचानक गाड़ी की स्पीड क्यों बढ़ा? ये उस तरफ क्यों जा रही है? लगता है उस फोन कॉल के जरिए इसे भी सम्मोहित कर दिया गया है। गाड़ी इतनी तेज क्यों भगा रहा है अचानक? सर ये गाड़ी तो रोबोट की तरह चला रहा है, सर कहीं इसे भी तो सम्मोहित नहीं कर दिया।
हो सकता है पूर्वी, एक काम करो, गाड़ी से बाहर उतर के उसे स्टीयरिंग पे मारो, मत देखना कि किसी सेफ जगह पे जाके टकराए वो। जो कोई भी है जो लोगों को फोन कॉल के जरिए सम्मोहित कर रहा है, अब हमसे नहीं बचेगा। सारांश, इसके सर पे चोट लगी है। सारांश, चलो इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ये देखिए सर, इस आदमी ने फोन के जरिए हिप्नोटाइज किया सारांश को। तो ये है, इसे फंसाने के लिए जाल बिछाना पड़ेगा। मैं आ गया हूं, छुप कर क्यों खड़े हो? बाहर निकलो। देखो, अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल करना बंद नहीं किया ना। नहीं नहीं प्लीज, हम लोग तो डर गए। अब मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा तुम सच सच बताओगी। सॉरी, आपकी गन गिर गई। अरे कहाँ जा रहा है? पकड़ो। बहुत लोगों को सम्मोहित कर लिया, अब सीआईडी का सम्मोहन भी देख लो। हाँ, मैंने डॉक्टर दिनकर और डॉक्टर सिद्धांत की जान ली है। क्यों, अपनी सम्मोहन कला का गलत इस्तेमाल करते शर्म नहीं आई तुम्हें? उन्हें शर्म नहीं आई, मेरी जिंदगी भर की मेहनत को एक पल में छीनते हुए। कैसी मेहनत? मेरी रिसर्च, सम्मोहन का वो नया तरीका जिसे डॉक्टर दिनकर अपनी खोज बताते हैं, दरअसल वो मेरी खोज थी। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल दिए उस रिसर्च को, वो रिसर्च ही तो मेरी जिंदगी की एक अनमोल पूंजी थी। उन लोगों ने मेरी मेहनत मुझसे छीनी और मैंने उनसे उनकी जिंदगी। इतना बड़ा धोखा, अपने दोस्त की सालों की मेहनत को तुम यूं चुटकियों में नहीं चुरा सकते हो। आजकल दोस्ती बहुत सस्ती हो गई है मेरे दोस्त। तेरी इस रिसर्च से मुझे नाम, पैसा, इज्जत सब कुछ मिलेगा, और इन तीन चीजों के आगे जा, तेरी दोस्ती कुर्बान की। मुझे नहीं पता था कि मैंने दोस्तों के भेष में दो सांप पाल रखे हैं। दिनकर की जूनियर डॉक्टर प्रेषिता मुझसे भी ट्रेनिंग ले रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सम्मोहन के जो राज मैं उसे सिखा सकता हूँ वो दिनकर उसे 7 जन्मों में भी नहीं सिखा सकता। इसीलिए मैंने प्रेषिता को ही अपना मोहरा बनाया। प्रेषिता, तुम्हें डॉक्टर दिनकर का खून करना है प्रेषिता, और अब जो आवाज तुम्हें सुनाई देगी उसके बाद तुम अपने होश में आ जाओगी, और फिर दोबारा जब तुम्हें ये आवाज सुनाई देगी तो तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम्हें डॉक्टर दिनकर का खून करना है, समझी तुम? ऋषिता, इन किरणों को महसूस करो, अब तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है, अब सिर्फ तुम्हारा एक ही उद्देश्य है, तुम्हें डॉक्टर दिनकर का खून करना है प्रेषिता, तुम्हें डॉक्टर दिनकर को
मार देना है प्रीशिता, समझ गई तुम? समझ गई, मैं डॉक्टर दिनकर को मारूंगी। गुड, लो ये हवा सुनो। फिर मैंने सिद्धांत को भी सम्मोहित कर दिया। सिद्धांत, इस धुन को तुम अपने मस्तिष्क में कैद कर लो और फिर जब दोबारा तुम इस धुन को सुनोगे तुम अपनी जान ले लोगे। ठीक है, मैं अपनी जान ले लूंगा, लेकिन किमी, किमी को क्यों मारना चाहते थे तुम? दरअसल वो मेरा राज जान चुकी थी और वो मुझे जेल भिजवाना चाहती थी। जेल तो तुम अब भी जाओगे डॉक्टर आराव, लेकिन उसके पहले उन डॉक्टरों को सम्मोहन के जाल से बाहर निकालो जिन्हें तुमने सम्मोहित कर रखा है। देखिए ऑफिसर, अगर आप मुझे जेल लेके जाएंगे तो मैं उन लोगों को सम्मोहन के माया जाल से कभी बाहर नहीं निकालूंगा। सोच लो डॉक्टर आराव, तुम्हारे पास आखिरी मौका है दुनिया के सामने अपनी बात साबित करने का कि सम्मोहन की वो नई तकनीक तुम्हारी खोज है, डॉक्टर दिनकर की नहीं। ठीक है ऑफिसर, मैं अपने बदले के लिए उन निर्दोष लोगों की जान से नहीं खेलूंगा। लेकिन बदले की आग में तुमने जुर्म का रास्ता अपनाया है डॉक्टर आराव, दो दो लोगों के खून किए हैं तुमने, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।